अगर कुत्तों की नस्ल में सबसे खतरनाक दमदार नस्ल की बात किया जाए तो पिटबुल डॉग पहला स्थान। अमेरिकी पिटबुल टेरियर बुलडॉग की एक नस्ल और टेरियर कुत्तों के संकरण से पैदा होने वाला एक ऐसा कुत्ता है जिसमें टेरियर की फुर्ती और बुलडॉग की शक्ति और खेलकूद क्षमता का मिश्रण है। शुरुआत में इन कुत्तों को इंग्लैंड में ही पैदा किया गया और पाला जाता था और यह उन देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासी नागरिकों के साथ आए थे। पिटबुल कुत्ते की नस्ल सर्वप्रथम इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में इस नस्ल को अमेरिका में ले जाया गया और अमेरिका से ये नस्ल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। शुरुआती दौर में इन कुत्तों को दूसरे नस्ल के कुत्तों और ताकतवर जानवरों से लड़ने के लिए पाला गया था और कुत्तों की लड़ाई खेल में भी इस कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिका में पिटबुल बहुत लोकप्रिय हो गए थे जो अक्सर सेना की भर्ती के पोस्टर और अन्य विज्ञापनों पर बहुत दिखाई देते थे। पिटबुल की शरीर और मानसिक विशेषताएं होती हैं जो उन्हें जिम्मेदार, सक्रिय और देखभाल करने वाले मालिकों के लिए एक उत्कृष्ट भागीदार बनाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि शरीर बनावट इन्हें आम कुत्तों से अधिक ताकतवर बनाती है। यही कारण है कि कई देशों में इस कुत्ते को पालना, कुत्ता बनाना गैर कानूनी है। क्या आप जानते हैं कुत्ते अपने मालिक को खुश करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि ये कुत्ते अपने मालिक के हाव भाव को अच्छी तरह समझते हैं। पिटबुल मजबूत, ऊर्जावान, फुर्तीले और शक्तिशाली कुत्ते हैं। वह एक बार किसी चीज को करने की ठान ले तो करके ही रहते हैं। पिटबुल मजबूत, ऊर्जावान, फुर्तीले और शक्तिशाली कुत्ते हैं। वह एक बार किसी चीज को करने की ठान ले तो उसे करके ही रहते हैं। किसी का शिकार ही क्यों ना करना हो। आपको जानकारी के लिए बता दें, इन नस्लों को आमतौर पर पिटबुल नस्ल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टोर पिटबुल मध्यम आकार के कुत्ते हैं और वे शक्तिशाली सिर, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती और बेहद फुर्तीले होते हैं और उनके शरीर में इतने मसल होने के बावजूद भी नर पिटबुल का वजन 35 से 60 पाउंड होता है जबकि मादा पिटबुल का वजन आमतौर पर 30 से 50 पाउंड होता है। पिटबुल कुत्ते नीले रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों की पहचान कर सकते हैं और जब ये उत्तेजित होते हैं तो ये अपने कानों को ऊपर और अंदर की ओर उठाते हैं जो उनके माथे पर विशिष्ट झुर्रियां पैदा करती हैं।